तो आज ना मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी। तो एकदम इंस्टेंट वाला टमाटर चटनी मैंने किसी से नहीं चुराया, सिर्फ मैंने अपने दिमाग को लगाया। हाँ, थोड़ा बहुत जो है ना वो देखा है कि कैसे क्या बनता है, लेकिन ये जो बनाने का जो स्टाइल है वो मेरा ही है। देखो, जैसे तेल में ढेर सारा जीरा और सूखी मिर्च डाल दिया है, और अभी इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया है, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा जो है ना राई डालने वाली थी, लेकिन राई मुझे मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने राई नहीं डाला। तो इधर मैंने ना टमाटर जो है, दो टमाटर था उनको कट कर लिया था बीच से, फिर इसको मैं फ्राई करूँगी इसमें ही, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा प्याज भी डाला है। और इसको ना अब हम बनाने वाले हैं मस्त वाला चटनी, और इसमें थोड़ा सा ऊपर से मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार, और मैं जब ग्राइंड करूँगी ना तब मैं एक स्पेशल चीज़ डालूँगी जो हर किसी के घर में होता है। तो देखो, इधर हमारा जो है ना ये बन के रेडी हो गया है, और अब जो है ना मैं इसमें डाल दी हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा ना मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, एकदम थोड़ा कम मात्र, और अब मैंने इसको पीस लिया है। अब देखो हमारा जो चटनी है ना वो बन के एकदम रेडी हो गया है, बहुत मज़े का। तो फिर से और एक बार मैंने घुमाया, और देखो एकदम दरदरा टाइप मैंने रखा है, एकदम जैसे फाइन होता है ना वैसा नहीं किया है। और माधव के दादाजी ने ना माधव को देखो ये दिया है, लेकिन उसको ना चोट लग गई है कैसे, तो फिर मैंने उसमें फिर क्रीम लगा के दिया है, थोड़ी देर के बाद देखना आप लोग। तो देखो, उसके दादाजी ने ना जब वो दुकान गया तो उसके दादाजी ने उसको ये घोड़ा खरीद के दिया है, और बहुत टाइम से ना मैं सोच रही थी कि ऐसा दूंगी करके। और देखो, ये घोड़ा लेके सोएगा भी, अभी हम उसको दोपहर को सुला रहे हैं, उसको ये घोड़ा लेके सोना है, वो घोड़ा छोड़ ही नहीं रहा है। फिर हम लोग जैसे तैसे घोड़ा को भगाया घर से, उसके बाद जाके सोया। फिर देखो अभी रात के टाइम ना, अभी हम लोग ना जो है डिनर करने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम मूवी देख रहे थे। तो और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह मैंने बनाया था घुगनी, तो ये तो बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो एकदम दिमाग में आया और मैंने बना लिया कि चलो यार आज ना घुगनी खाते हैं हम। और आज मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा मसाला नहीं डाला है, मैंने रेसिपी डाला है तो आप लोगों को दिखा दूँगी। एंड उसके बाद ना हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकले, तो मेरा थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर हम मैंने अपने पति को कहा कि चलो यार थोड़ा सा घूम के आते हैं। और उसके बाद हम लोग जाते जाते ना फिर हम आ गए हैं यहाँ पे नर्सरी में, यहाँ से मुझे दो तीन गमले लेने हैं, क्योंकि मुझे ना एक तुलसी का पौधा लगाना है, क्योंकि मेरा जो वो तुलसी का पौधा है ना वो बहुत बड़ा हो गया है, मुझे ना एकदम छोटा सा चाहिए। और मेरे घर में ना छोटा सा एक तुलसी का पौधा आया है, तो उसको मुझे लगाना है गमले में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुलसी का पौधा लगाना। बहुत लोग के घर में ना तुलसी का पौधा ना मतलब होता नहीं है, हमने बहुत जगह देखा है, लोग ढूंढते हैं तुलसी का पौधा, और हम इतने लकी है कि हमारे घर में तुलसी रानी स्वयं आती है।